तो क्लास इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल जैसा हमने पहले सीखा है ट्रिप्लॉइड होती है यानी 3N। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो जैसा हमने सीखा था जो मेल गेमीट है ये फ्यूज हो रहे थे पोलर न्यूक्लियाई से। मेल गेमीट हमारा यहाँ पर हैप्लॉइड था और जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो डिप्लॉइड थे, तो 2N+N मिलके बना रहे थे ट्रिप्लॉइड प्लॉइडी लेवल यानी 3N। तो जो मेल गेमीट वो फ्यूज हुए पोलर न्यूक्लियाई के साथ और इससे सबसे पहले बना था PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का था। फिर PEN आगे जाके डेवलप होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ऐसे न्यूक्लियर डिविजन, ऐसा न्यूक्लियस का डिविजन जिसमें कोई सेल वॉल नहीं बन रही है उसे हमने बोला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एट लास्ट फिर हम बात करते हैं सेल वॉल बनने लग गई थी और उसे हमने बोला सेल्युलर एंडोस्पर्म। तो बच्चों फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्युलर एंडोस्पर्म को समझने के लिए हम यहाँ पर कोकोनट का एग्जाम्पल देखेंगे। कोकोनट यानी नारियल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कोकोनट का वाइट वाला पार्ट है जो हम बहुत शौक से खाते हैं और पसंद भी करते हैं, ये वाइट वाला पार्ट होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें कोई सेल वॉल नहीं बनी है। उसके बाद जो वाइट वाले इस पार्ट को सराउंड कर रहा है ये जो ब्राउन वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, हम इसमें बात करते हैं सेल्युलर एंडोस्पर्म की। तो सराउंडिंग द वाइट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द सेल्युलर एंडोस्पर्म।